चलो मम्मी, चलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की जर्नी है गुजरात उंझा एरिया। टाइम हुआ है 7:08। निकलने का था कुछ और टाइम पे, निकल रहे हैं कुछ और टाइम पे। बिकॉज ऑफ मैं काम पे था शिफ्ट में, ये तो अभी घर के इधर की शुरुआत है। अब आस पास जीपीएस कुछ 620-630 किलोमीटर है टोटल, और अप्रोक्स 7 से 8 घंटे लगेंगे। अभी हमने स्टार्ट वापिस से कर तो दिए हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कवर किए हैं। और ये एक शॉर्टकट है क्योंकि ऑलरेडी लेट निकले हैं और सूरज जस्ट अपने पीछे है, तो उसकी वजह से एक शॉर्टकट मार रहे हैं जिससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 2-3 किलोमीटर का अपने को डिफरेंस पड़ जाएगा। ये है मुंबई का आरे। अभी तो सिर्फ ये देखो मौसम देखो भाई, थोड़ा जल्दी आएंगे तो यहाँ का सीनरी देखने लायक रहेगा और यहाँ पे थोड़ा फीलिंग भी अच्छी आ रही है ठंडापन की। अदरवाइज इस गियर में तो अभी से गर्म होने लग गया है। सूखा रोड ढूंढना मुश्किल है। देखा सीन हो जाता अभी ही, और आगे स्लो मूविंग है। हमने 10.5 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट कर लिए हैं विच इज़ ऑन 7:36, और अभी भी जर्नी बाकी है। और अभी तक लेके हमने 22.2 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और बाकी अभी लंबी जर्नी। मैं सर्विस रोड से इसलिए चल रहा हूँ ताकि पेट्रोल भरवा लूँ पहले, वो अपना मेन रहता है। पेट में जाए ना जाए लेकिन इसको तो चाहिए रहता है इन जनरल। भानु 94, विराट 23, नायकाउन। सो फॉर द टाइम अपडेट, अभी तक के हमने कवर किए हैं 37.2 किलोमीटर एंड 827 हो चुका है, और अभी भी कंटिन्यू जा रही है जर्नी। यहाँ पे अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये धूल है या फॉग है क्या है, और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का एकदम शेडोइज है। मैं अभी तक ये जर्नी ठीक ठाक चल रही है, बस एक या दो स्टॉप लिए थे एक पेट्रोल के लिए। यस, हार्डली 10 मिनट का ब्रेक था वो, क्योंकि पेट्रोल तो इम्पोर्टेंट था, इसलिए पहले उसको फिल अप करवा लिए। अब ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। अभी तक तो के जर्नी चालू है एंड ये रहा सूरज। और अब हम विरार के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 घंटे होने वाले हैं और हमने कवर किए हैं ओनली 43 किलोमीटर्स। बिकॉज ऑफ आगे ट्रैफिक थोड़ा था, देखो इस साइड में है ही, तो उसके वजह से बस गाड़ी चल रही थी और कुछ नहीं।
अभी तो इतना ही कवर हुआ है, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स अभी बाकी है, लेकिन ये हालात रहेंगे तो कैसे कवर होगा बताओ। गुड सेइंग समथिंग, वसई 9 किलोमीटर टू बी लेफ्ट, वसई रोड, तलसारी 85 किलोमीटर, नवसार 209 किलोमीटर। ऐसा रहेगा तो कैसा चलेगा भाई, कहाँ चला जाए, कहाँ स्टॉप लिया जाए, या तो फुल स्टॉप लिया जाए। 9 बज गए हैं टाइमिंग के लिए, छोटा सा एक ब्रेक लेते 5-10 मिनट का मैक्स, और फिर निकलेंगे और फिर 50-70 किलोमीटर कवर करेंगे। अभी यहाँ से तो उतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मोस्टली रोड खाली रहेगा, तो जो डिस्टेंस मिस कर दिए वहाँ पे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक वो यहाँ पे कवर कर लेंगे। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस का भी एक आइडिया ले लेते हैं, अभी कितना डिस्टेंस, आई नो इट्स टू मच, बट स्टिल एक छोटा सा रिकैप करके देख लेता हूँ कि कितना डिस्टेंस अभी बाकी है। और खाने पीने का तो फिलहाल भूख नहीं लगी उतना, तो खाने पीने का हम कंट्रोल करके बाद में खाएंगे। तो अभी जाते हैं, एक छोटा सा चाय पीते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अहमदाबाद यहाँ से 436 किलोमीटर, बोईसर 15 किलोमीटर, ये काफ़ी लंबी जर्नी बाकी है। और अभी तक के हमने कंप्लीट किए हैं 89 किलोमीटर, और काफ़ी टाइम से ये रोड पे चला जा रहा है, विच इज़ डिफ़िकल्ट। वो यप, अभी के लिए तो फिलहाल यही अपडेट। ऐसे लॉन्ग व्हीकल कीप 30 फीट डिस्टेंस, 30 फीट 10 फीट के डिस्टेंस पे भी नहीं चलते हम लोग यहाँ पे। और 9:43 हो चुका है, इसको एक बार निकल जाए बस। यप निकल गए, अभी यहाँ पे कोई फोर वे में कोई ना देखा। निकल गए भाई, विदाउट टचिंग एनीवन निकल गए। ये लो, साइड से नहीं टच के भले सामने से टच कर देते थे अगर ध्यान ही नहीं रहता था तो। बस अभी तक की जर्नी का यही रिजल्ट है। और व्यू यहाँ पे मतलब ठीक है, वन साइड ग्रीनरी और अदर साइड नथिंग, लॉन्ग तलक दूर तलक के कुछ नहीं है, और उसके बाद में कुछ दिखना शुरू होता है। अरे भाई इसके ऊपर चलाना मेरे को डर लगता है, स्लिपरी बहुत रहता है ये रेती। ओके सो पिछले 10 मिनट से लगभग यहीं पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, अब शायद से मूवमेंट होगा क्योंकि आगे ही गाड़ियों में मूवमेंट तो दिख रहा है, देखते हैं कितना टाइम अभी लगता है। गाड़ी सिर्फ मूव हुई है, चली नहीं है, तो चलने में अभी कितना टाइम लगता है पता नहीं। चलो भाई इसी ट्रैफिक के बीच में अपने 100 किलोमीटर हो गए पूरे, 10:37 को, और अब बचा है ओनली 500+ किलोमीटर्स, और कुछ नहीं। और ये देखो धूल उड़ा दिया इतने, एक तो लगता है घर पे डेस्टिनेशन पहुंचने पहुंचने में पूरा काला पीला कर देगा धूल में, क्या कर सकते हैं। ये क्या हादसा है, ट्रक ही पलट गया पूरा, भी बुरी तरह। अच्छा कि ड्राइवर को आई डोंट थिंक लगा होएगा, अभी भी महाराष्ट्र के अंदर ही हैं हम। अब कब निकलेंगे पता नहीं। फाइनली अभी भी वापी के लिए 38 किलोमीटर बाकी है, और हमने कवर किए हैं ऑलमोस्ट
नॉट एग्जैक्ट बट ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर, 11:30 बजे एग्जैक्ट। बताओ और कितना तुमको भगाया जाए, भगाया क्या, चलाए नहीं अभी तक के, तो भगाने की तो बात ही जाने दो। और ये क्या जा रहा है, डब्बा टिफिन? इससे अच्छा तो नीचे वाले रोड से आएंगे तो ज़्यादा फीलिंग अच्छी आएगी, इधर तो चलाने ही नहीं मिल रहा, ऐसा हो गया है। और महाराष्ट्र का बॉर्डर अभी ये है, यहाँ पे इन लोग का जो भी चेकिंग होता है गाड़ी का, वेट वगैरह सामान का। अब लास्ट जो मैं अहमदाबाद का देखा था वो ऑलमोस्ट 406 किलोमीटर था। अब यहाँ से कितना किलोमीटर होगा आइडिया नहीं, बट वही है कि अभी काफ़ी डिस्टेंस है कवर करने के लिए। और अभी तक के हमने कवर किए हैं 128 किलोमीटर। लास्ट 2 मिनट में तो काफ़ी अच्छा रोड मिल गया। आई थिंक अभी ये रोड खाली रहेगा, खाली मतलब रेगुलर रहेगा और थोड़ा अच्छे से मिल जाएगा अपने को कवर करने के लिए। तो एटलीस्ट 1 घंटे और रनिंग कंटिन्यू करते हैं, 100-150 किलोमीटर तो कवर होने चाहिए, लेकिन इन चक्करों में नहीं होगा। बताओ फर। सो अभी हम वापस से अटक गए हैं एक ट्रैफिक में, बेसिकली ट्रैफिक नहीं है ये, आगे चेक पोस्ट है। और हमने ऑलमोस्ट अच्छा खासा कवर कर लिया, 70-80 किलोमीटर्स। ये चेक पोस्ट का नाम पता नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है। फास्टैग वगैरह सब लिखा है बहुत दूर। अहमदाबाद 348 किलोमीटर मोर टू गो। अभी गूगल बाबा ने बोला है 55 किलोमीटर स्ट्रेट है रनिंग यहाँ से, और फिर देखते हैं गूगल बाबा क्या बोलता है। अभी जस्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ गई गूगल बाबा को, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं ना, बाद में पता नहीं मिस हो जाए, तो उससे बेटर है कि पहले ही रेडी हो जाओ। तो भी बस जैसा चेक किया लास्ट, तो गूगल बाबा ने बोला कि 441 किलोमीटर और है, विच विल टेक अप्रोक्स। सो ये रात में शायद से हम ये वाला ब्रिज नहीं है, बट यहाँ से अभी टोल 1 किलोमीटर दूर पे है। और फॉर टाइम अपडेट, एक सेकेंड बिफोर दैट, 231 किलोमीटर हो गया 1:11 एंड 500 मीटर पे टोल। अब ये कौन सा टोल है, नो आइडिया। मतलब लगभग 1 घंटे में हमने कवर किए हैं ये 57 किलोमीटर्स। यहाँ पे देखते हैं कुछ चाय पानी का बंदोबस्त है क्या, दिख तो नहीं रहा है। चलो 10 मिनट का ब्रेक हो गया, अब वापस से 9 बजे का टाइमिंग हो गया पहुँचने का। अब ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर्स और है, और अभी तक के हमने 232 किलोमीटर चला चुके हैं। अभी पहुँचे हैं नवसारी टोल नाका, यहाँ से नवसारी 10 किलोमीटर और आगे है। तो अब हम 232 किलोमीटर हुआ है, तो अभी 300 किलोमीटर तक के कंटिन्यू फिर करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर एक स्टॉप वापस से लेंगे। 150 किलोमीटर का 150 किलोमीटर चला के
एक छोटा छोटा स्टॉप लेंगे तो उतना थकान भी नहीं फील होगी, अदरवाइज ज्यादा तक। ये आगे की साइड में कुछ तो दिख रहा है, पता नहीं क्या है, कौन से का। आई थिंक मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे अहमदाबाद आया था उस टाइम भी देखा था, और मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या है वो। हाँ यस, लास्ट टाइम भी आया था तभी भी दिखा था ये मेरे को रात के टाइम पे, और तभी समझ में नहीं आया था क्या था ये, क्या है एग्जैक्टली। आज थोड़ा स्लो करके देखते हैं। ओके, कोई कंपनी है, उसका एंट्रेंस है ये, क्या नाम है, जस्टो। ये लास्ट टाइम भी देखे थे हमने अभी भी। अब हमको ढूंढना है पेट्रोल पंप। 8 220, 220 हो गए, 284 285 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए, और अभी टोल प्लाजा आ गया है 1 किलोमीटर आगे। और ये कौन सा टोल प्लाजा है, नो आइडिया कौन सा टोल है, कुछ नाम तो दिख ही नहीं रहा है, होगा बट मेरे को नहीं दिख रहा है। अभी अपने को टोटल कवर करना है 50%, और जिसको लगेगा एक्चुअल डेस्टिनेशन के लिए टाइम 9:30 को पहुंचने का भी टाइम हो गया, थोड़ा खाने पीने की वजह से लेट हो गया, कोई बात नहीं ट्राई करेंगे। 9 बजे का बोले थे, 9:30 हो गया, अभी भी लगभग 300 किलोमीटर है, तो अब थोड़ा स्पीड और स्पीड थोड़ा चलाएंगे और थोड़ा ब्रेक नहीं लेंगे अभी। लास्ट टाइम ये ब्रिज मिस हो गया था अपने से, इस बार हम पहुंच गए इस ब्रिज पे भी, और जाने के टाइम पे हम वो वाले ब्रिज से गए थे अहमदाबाद जिस दिन आए थे। और इधर थोड़ा ठंडा फीलिंग हो रहा है। ये आ गया एक और टोल बूथ, ये कौन सा है नो आइडिया, लास्ट स्टॉप से अभी तक के टोटल हमने क्रॉस कर लिए हैं। अरे यार, अपनी गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो प्रॉब्लम है, जाएगी जाएगी जाएगी। भाई यहाँ पे तो बारिश का मौसम चालू हो गया है, पूरा रोड गीला हो गया। बारिश से पूरा रोड गीला हो गया है, मतलब उतनी बारिश नहीं हुई लेकिन रिमझिम रिमझिम हुई है थोड़ी बहुत करके, और मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा हो गया है, तो मौसम तो बन गया यहाँ पे बारिश का, वाह। मुंबई में तो बारिश का निशान नामो निशान नहीं रहेगा अभी, और यहाँ पे भाई ठंडी फीलिंग दे रही है। तब तक के चलाएंगे, अगर तकलीफ तो होने लग गई है कि स्टॉप ले लिया जाए, और अपने पेट्रोल भरने का एक और बार टाइम आ चुका है, तो यहाँ कहीं पे भी अपने को पेट्रोल दिखेगा आगे तो पेट्रोल। अरे यार, बारिश तो बढ़ रही है ऐसा लग रहा है, तो कैमरे को तो अंदर रखने पड़ेगा। हाँ, वाटर प्रूफ तो नहीं है ना। हाँ, बढ़ रही है भाई, अभी उतर के कहीं साइड में लगाते हैं,
कैमरा अनमाउंट करके रखते हैं। पता नहीं कौन कैसा मौसम है। अरे रे 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 रे, तो सोच समझ के चलाओ भाई। स्लो चलाओ, कोई घाई नहीं। सही में घाई हो ही जाएगी लगता है, जिस हिसाब से रोड के हालात हो गए हैं। कैमरा मैं रखता हूँ और बाद में फिर बारिश बाकायदा रुकेगी, वापस से स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई, उंजा के लिए रास्ता किधर से रहेगा? उंजा 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 जाने का है, तो यहाँ से बाईपास से उंजा जाना होगा। बाइक से जा सकते?